नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। सबसे बड़ी खबर मंडी डवाली से बता रहे हैं, जहां पर वार्ड नंबर 1 रेलवे लाइन के नजदीक के घर में ब्लास्ट होने की वजह से 3 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। सबसे पहले हम आपको एक्सक्लूसिव तेज हरियाणा के जरिए तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर रेस्क्यू लगातार जारी है। पिछले करीब 2 घंटों से यहां पर जो रेस्क्यू टीमें हैं वो यहां पर मशक्कत कर, कड़ी मशक्कत से मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है। यही तस्वीर देखिए, आप समझने की कोशिश करिए, ये पूरा एक घर है जिस घर के अंदर परिवार के कुछ लोग थे। और जानकारी ये है कि ये लोग पटाखे बनाने का काम करते थे और एक तरीके से अवैध रूप से एक मिनी फैक्ट्री जिसे पटाखों की बोला जा सकता है। हालांकि इस बात की पुष्टि हम नहीं करते हैं कि फैक्ट्री होगी या नहीं थी, लेकिन पटाखों का बारूद यहां पर रखा था। बारूद ब्लास्ट होने की वजह से यहां पर आसपास के घरों की छतें भी उड़ गई हैं और काफी दूर तक, यानी कि आप सोच सकते हैं करीब करीब 50 से 70 फीट एरिए दूर तक भी मलबा क्रैश हुआ है। ऑफिस, लोगों के घरों में दरारें आई हैं और खास करके इस मकान के पीछे और जो आगे और दाएं बाएं के घर थे उन घरों की छतें तक उड़ गई हैं। मकानों में दरारें आ गई हैं और अब यहां पर लगातार जेसीबी के जरिए डवाली प्रशासन यहां पर जुटा है, फायर ब्रिगेड के जरिए यहां पर रेस्क्यू करके पहले बड़ी मुश्किल के साथ आग पर काबू पाया गया। और ये तस्वीर आप वाइड करके देखिएगा, ये ओवरब्रिज है, रेलवे के ऊपर से जो बनाया गया पुल है, नेशनल हाईवे नंबर जो 9 को जोड़ता है, और उसी के नीचे ये रेलवे लाइन डवाली टू बठिंडा निकलती है इसी लाइन के साथ। यानी कि वो स्थिति है जहां से पंजाब भी शुरू होता है, एक हिस्सा हरियाणा का। ये पुल 2 भागों में हरियाणा को डिवाइड करता है, वन साइड पंजाब, दूसरी साइड हरियाणा है। लेकिन ये वार्ड नंबर 1 हरियाणा का एरिया पड़ता है। कहीं ना कहीं प्रशासन की नाकामी कही जाएगी कि प्रशासन बेखबर था कि इस घर में बारूद रखा जाता है। रिहायशी इलाके के अंदर पटाखों की फैक्ट्री या बारूद रखना बहुत मनाही होती है, लेकिन यहाँ पर सब कुछ ताक पर रखते हुए इस घर में बारूद रखा जाता था। हालांकि प्रशासनिक अमला यहां पर पूर्ण तरीके से चेकआउट कर रहा है। कोई और लोग तो मलबे में नहीं फंसे हुए हैं, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद यहां पर एक 18 साल 20 साल की उम्र का लड़का था, उसके बाद एक 38 और एक करीब करीब जो 20 से 24 वर्ष की उम्र का लड़का, 3 जनों को यहाँ से रेस्क्यू किया गया है। सबको सामान्य हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहाँ से 2 को गंभीर हालत में देखते हुए सिरसा रेफर किया गया है। और जानकारी ये मिल पा रही कि इनमें से 1 की मौत हो गई है। बुरी तरीके से ये 3 लोग झुलसे हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से अभी भी कहीं ना कहीं आग जल रही है। और ये पटाखों की खाली खोल आप देख सकते हैं, जो जिस गत्ते के ऊपर जिसे रस्सी वाला जो बम्प होता है, काफ़ी ब्लास्ट इस पावर में पावर होती है इस ब्लास्ट के अंदर, और यही वो अनगिनत संख्या में यहाँ पर रखे हुए थे घर के अंदर। और किसी ना किसी रूप से चिंगारी ऐसी यहाँ पर लगी होगी किस तरीके से आग, ये अभी जांच का विषय है। इसके ऊपर प्रशासन जांच करेगा और निश्चित तौर पर इस पर जांच होनी भी चाहिए, क्योंकि डवाली एशिया की सबसे बड़ी उस त्रासदी को 23 दिसंबर 1995 को झेल चुका है, जब 442 उन दिवंगत आत्माओं को इसका शिकार होना पड़ा, लोगों को उस अग्निकांड का शिकार होना पड़ा। और कितना बड़ा हिस्सा आबादी का डवाली आज तक उन जख्मों को जब भी याद करता है हरे हो जाते हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से मकान का जो मलबा है उसे यहाँ पर डेरा सच्चा सौदा की शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादार भी यहाँ पर जुटे हुए हैं। डवाली प्रशासन, पुलिस प्रशासन, डवाली SDM यहाँ पर खुद मौके पर हैं, और DSP राजेंद्र कुमार यहाँ पर, SHO शैलेंद्र कुमार, तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो खुद इसका जायजा ले रहे हैं। और रेस्क्यू किया जा रहा है, पूरे मकानों को चेकआउट किया जा रहा है कि कोई और व्यक्ति या कोई घर का पारिवारिक मेम्बर तो यहाँ पर नीचे नहीं था। लेकिन अभी भी लगातार प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू को आगे बढ़ाया जा रहा है। और फिलहाल डवाली से काफ़ी ये एक बुरी खबर कही जाएगी, दर्दनाक हादसा कहा जाएगा, और निश्चित तौर पर प्रशासन को ऐसे मामलों में कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। जाहिर तौर पर यहाँ पर आसपास के जो लोग हैं वो काफ़ी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, लोग इस बात को लेकर नाराज भी हैं कि प्रशासन को इस बात का क्यों नहीं पता था कि घर में इस तरीके से बारूद रखा जाता है। लेकिन सिलेंडर फटने की बात भी सामने आ रही, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सिलेंडर फटा होगा, लेकिन ये जाँच का विषय है। मैं पूरी बात को कवर नहीं कर पा रहा कि अभी ऐसे में जल्दबाजी में कहना कुछ भी ठीक नहीं होगा, लेकिन बारूद की जो स्मेल, जो यहां पर दुर्गंध चारों तरफ फैली हुई है, उससे यह सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहुत बड़ी मात्रा में यहां पर बारूद का ढेर था, चाहे वो किसी भी रूप में था, चाहे वो किसी ड्रम के अंदर था, चाहे वो पटाखों के रूप में इकट्ठा था, किसी ना किसी रूप से ऐसी मानवीय गलती हुई है जिसकी वजह से बारूद में आग लगी। और इतना बड़ा ब्लास्ट, निश्चित तौर पर यह गैस सिलेंडर का ब्लास्ट नहीं हो सकता, यह बहुत बड़े बारूद का ब्लास्ट है जिसकी वजह से मकानों की छतें तक उड़ गई हैं।
है। इतनी बड़े मकान थे, आसपास के पड़ोस में 40 से 50 फीट की दूरी के जितने मकान थे वो भी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मलबा पूरी तरीके से बिखरा है और लगातार डवाली प्रशासन इसे रेस्क्यू करने में जुटा है।